कंस्ट्रक्शन चारों तरफ इस कदर है कि उसमें 30-30 लाख 40 लाख लोगों के लिए घाट लोग अपने घर पे ही कर लेते हैं। बेसिक चीज़ है कि सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, कैजुअलिटी ना हो, डॉक्टर्स है, बिजली है, जो बेसिक चीज़ है, जो गंगा में उस वक्त अधिक से अधिक नाव की व्यवस्था हो, ये इम्पोर्टेंट है। और मैं यह मानता हूँ कि ऐसे समय में हम सब, यही एक सबसे बड़ी खूबसूरती है और इसी को हम नेचर कहते हैं, छठ ही एक ऐसी पूजा है जहाँ सूरज के उदय को भी और डूबते हुए सूरज को भी हम अर्घ देते हैं। ये खूबसूरती इस कंट्री की और ख़ासतौर पर बिहार की, जब हम किसी भी पवित्रता को आप देखिएगा और रिश्ते को देखिएगा, जो रिश्ता कभी कृष्ण और अर्जुन का, सुदामा का, द्रौपदी के जीवन के साथ बचाने का था, सबरी का, राम का, मोहम्मद और हजरत का, अशोक और बुद्ध का, वो रिश्ता वसुधैव कुटुंबकम दिखता है, सर्वधर्म संभव का रिश्ता है। यहाँ एक यही पर्व है जहाँ पर कोई दुनिया, जाति, धर्म, मजहब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारी चीज़ों से अलग, सब लोग समर्पण के भाव से। मैं ऐसे क्षण में सिर्फ एक आग्रह करूँगा कि हम माँ से आराध्य शक्ति जो विज्ञान पर आधारित है और ये प्रकृति के लिए भी और मानव जीवन के शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक विकास के लिए भी सूरज का आराधना, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया सूरज को विज्ञान और अध्यात्म के आधार पर करती है। उस पितृपुष्यभ्यो नमा, ऋषि देवियों नमा, हम उसको हमेशा, आप देखिएगा कि खुले बदन में हम रहते हैं तो उससे हमको विटामिन सी, विटामिन डी, अब सिर्फ इसको पूजा के रूप में मत देखिए। तो यह जो पूजा है इसमें मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि हम सबको गरीबी समाप्त करने की आराधना करनी चाहिए और बेरोजगारी जैसी चीज़ें, अभाव और डर जैसी चीज़ें, नफरत जैसी चीज़ें खत्म हो। मानव कल्याण और विश्व कल्याण के अलावे दूसरा इस पूजा से कोई रिश्ता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी प्रे करे उसमें मानव कल्याण, विश्व कल्याण, मानवता और इंसानियत प्रेरक हो और कंप्लीट गरीबों और आम आदमी, आम जन की बात हम सब लोग करें और उनकी जिंदगी मुस्कुराए कैसे, खुशहाल कैसे रहे, हर तरह के कष्ट और पीड़ा से अलग कैसे रहे, हमें इसकी आराधना करनी चाहिए। और सच्चाई में सूरज की, यदि ईश्वर की, इष्ट की हम पूजा करते हैं तो अपोह दीपो भव, खुद के प्रकाश को प्रकाशित करते हुए दुनिया को मुस्कुराने का अवसर देना ही, बुद्ध ने यह शब्द का प्रयोग किया था कि हर व्यक्ति को मुस्कुराने का अवसर, जीने का अवसर और खुशियों से रहने का अवसर यह छठ, यह प्रकाश हमें शक्ति दे, ऊर्जा दे और हमें मानवता के लिए जीने का।